नमस्कार। आपने बर्थ डिटेल दी, 26 मई 2003 रात्रि 8:30 बजे इनका जन्म हुआ। जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय लग्न उदय हो रहा था, धनु लग्न यानी बृहस्पति का लग्न, और यानी बृहस्पति इस लग्न के मालिक हैं। और चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहे थे, रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, जहां आपकी राशि के मालिक भी बृहस्पति हैं, यानी लग्न और राशि दोनों के मालिक बृहस्पति हैं। और रेवती नक्षत्र में जन्म होने के कारण बच्चा मूलों में पैदा हुआ है, ऐसे बच्चे का नामकरण 27 दिन बाद होता है। और यदि मूल शांति नहीं हुई है तो 5-6 वर्ष तक मूल शांति कराना ज़्यादा बेहतर रहता है। चलिए, ये तो आपके लग्न और राशि के बारे में बातें, शुरुआत करते हैं लग्न से। बृहस्पति का लग्न है, ये धर्म त्रिकोण लग्न कहलाता है। ये धनु राशि, कोदंड राशि है, धर्म त्रिकोण राशि है, यानी व्यक्ति अपने भीतर धार्मिकता के गुण भी रखता है, लेकिन ये अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए ये ऐसा बृहस्पति है जो कि एक दंडात्मक प्रवृत्ति अपना सकता है, यानी अपने काम को निकालने के लिए या किसी भी कार्यशैली को पूर्ण करने के लिए ये उसमें सभी प्रकार की स्थितियों को भर सकता है। दंडात्मक प्रवृत्ति भी उसको कह सकते हैं, या एक तरीके से ये कहिए कि ये वो वाला गुरु नहीं है जो आसानी से और प्यार से बात करता है, ये सभी प्रकार की स्थितियों से काम निकालने में सक्षम होता है। लगन के ऊपर जो प्रभाव है वो शनि का प्रभाव है। शनि दूसरे और तीसरे घर का मालिक है। शनि के लिए कहा जाता है कि शनि की दृष्टि जिस भाव से संबंध बनाए उस भाव से संबंधित संघर्ष पैदा करती है। अब शनि तीसरे घर के मालिक होके यहाँ बैठकर जब लगन को देखते हैं तो ये व्यक्ति के भीतर साहस के गुण भर देते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में जद्दोजहद करने की क्षमता को प्राप्त कर लेता है, डरता नहीं है, निर्भीक हो जाता है, मेहनत करने से नहीं डरता है। ऐसी स्थितियाँ शनि के कारण मिलती हैं। शनि द्वितीय भी हैं, इसका मतलब घर परिवार से भी व्यक्ति को सहयोग मिलता है, कुटुंब का सहयोग, कुटुंब से धन का सहयोग मिलता है। जब धन भाव का मालिक सप्तम भाव में बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब इनकी शादी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं इनका जो बैंक बैलेंस है या इनका जो धन की स्थिति है उस पर इनकी पत्नी का भी बहुत हद तक अधिकार हो जाएगा। इसको कहने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति के पास क्या है, कितने पैसे हैं, क्या है, उसकी पूरी जानकारी इनकी पत्नी को बहुत अच्छे तरीके से रहेगी। शनि जब सप्तम भाव में होते हैं तो थोड़ा सा विवाह में विलंब कराने की स्थितियाँ यहाँ देखी गई हैं। अब बात करेंगे आपके लग्न और राशि के मालिक जो बृहस्पति हैं वो अष्टम भाव में बैठे हैं। आठवें घर में उच्च का बृहस्पति कुटुंब के लिए अच्छा है, घर परिवार के लिए अच्छा है, आयु के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, साथ ही साथ पैतृक संपत्ति प्राप्ति के लिए अच्छा है, लेकिन लाइफ की जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी सी कठिन बना देता है जब लग्नेश अष्टम में हो। ऐसे व्यक्ति स्वयं के बल पर अच्छी खासी प्रॉपर्टी अर्जित करने में सक्षम होते हैं, यानी घर परिवार से तो इनको अच्छा खासा पैसा मिलता ही है, जमीन जायदाद मिलती है, मकान मिलता है, और स्वयं के बल पर भी ये मकान बनाने में, प्रॉपर्टी खरीदने में सक्षम होते हैं। मंगल जब धन भाव में बैठे हों, उच्च के होके पंचमेश होके बैठे हों, यानी व्यक्ति की बुद्धि और वाणी दोनों का तालमेल काफ़ी अच्छा यहाँ देखा गया है, यानी व्यक्ति जिस बात को बोलता है उसको मन में अच्छी तरीके से तोल लेता है कि भाई मैं किस बात को बोल रहा हूँ और इससे सामने वाले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये बुद्धि की कुशाग्रता को बढ़ाता है, व्यक्ति की बुद्धि को तेज करता है। मंगल पंचम भाव में बैठे हुए शुक्र और बुध दोनों को देख रहे हैं। पहले बात करेंगे बुध की। बुध सप्तमेश दशमेश होके पंचम भाव में पंचमेश मंगल से के साथ से दृष्ट है। ये बुद्धि के लिए ठीक है, एजुकेशन के लिए ठीक है, बुद्धि पे पकड़ के लिए ठीक है। साथ ही साथ किसी जानकारी में विवाह होना या किसी प्रकार के प्रेम प्रसंग में पढ़ने का भी एक इंडिकेशन है। जब शुक्र भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति के लाइफ में, जीवन में कभी शुक्र की महादशा, बुध की महादशा या मंगल की महादशा आ जाएगी तो उस दौरान प्रेम प्रसंग से संबंधित स्थितियां देखी जाएंगी जिनके कारण इनकी एजुकेशन में इनको प्रॉब्लम आने के संकेत होंगे। शुक्र बुध जब जब केंद्र त्रिकोणों में बैठते हैं तो ये बुद्धि की कुशलता और चपलता को दर्शाते हैं। चंद्रमा अष्टमेश होके चौथे घर में है, ये घर से दूरी बनाने में सक्षम है, व्यक्ति घर से दूर जाता है, इस दौरान यात्राएं करता है, थोड़ा सा मदर की हेल्थ के लिए ये इंडिकेशन ज़्यादा बेहतर नहीं। अब बात करेंगे सूर्य जब राहु के साथ छठे घर में हो।
सूर्य भाग्येश है, भाग्येश हैं, पिता के कारक भी हैं, बैठे हुए हैं छठे घर में। ये स्थिति पिता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी अच्छी नहीं है। ऐसे लोग जीवन में काफ़ी स्ट्रगल करके अपने भाग्य का उदय करते हैं, बहुत अधिक मेहनत करते हैं, शत्रुओं को परास्त करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों का भाग्य उदय जीवन में अचानक से प्रगति करता है, यानी सडन इनके जीवन में राइज होते हैं। जीवन में राहु केतु की दशाएं जब जब आएंगी, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होंगी, स्थान परिवर्तन करा सकती हैं, यात्राएं करा सकती हैं। नवांश कुंडली में एक प्रॉब्लम फिर से दिखाई दी है। नवांश कुंडली में आप देखिएगा तो लगन में उच्च का सूर्य है और बृहस्पति अपनी राशि में बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छा एक लक्ष्मी त्रिकोण राजयोग नवांश कुंडली में बनाए, जो धन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा सातवें घर का मालिक शुक्र नीच का होके बैठा हुआ है छठे घर में। ये कॉम्बिनेशन मैरिज लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं कहलाया जाता, इसलिए यहाँ थोड़ा सा शादी के लिए प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस दिखाई दी है। जिस इसके लिए आप इनका जब भी विवाह करें, कुंडली मिलान करके विवाह करें, गुण मिलान पे ना जाकर कुंडली मिलान करके इनका विवाह करेंगे तो बेहतर रहेगा। केतु की महादशा इनको चल रही है। अब आपने मुझसे पहला ही सवाल ऐसा पूछा जिसका जवाब उसके अंदर निहित भी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, 26 मई 2003 में इनका जन्म हुआ। जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय दशा चल रही थी बुध की। बुध इस कुंडली में सप्तमेश और दशमेश हैं, बैठे हैं पंचम भाव में शिक्षा के स्थान में, लेकिन उसके साथ शुक्र बैठा है जो कि षष्ठेश है। छठा घर रोग ऋण रिपु बीमारी के लिए जाना जाता है, ध्यान भंग करने के लिए जाना जाता है। व्यक्ति के कैचिंग पावर को तो बढ़ाता है लेकिन मन को भ्रमित रखता है, साथ ही साथ उच्च का मंगल भी उसे देख रहा है। और आप देखिएगा जिस बुध की दशा चली है वो नवांश कुंडली में छठे घर में बैठा है नीच के शुक्र के साथ, और ये बुध की दशा जीवन में 2011 में ख़त्म हो गई। उसके बाद आई केतु की महादशा, 7 साल की केतु की महादशा, केतु 12th हाउस में, 12वें घर में रोग और बीमारी के भाव, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जीवन में राहु केतु की दशाएं जब भी आएंगी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होंगी। तो पहली दशा जो बुध की दशा मिली उसमें षष्ठे शुक्र के साथ बीमारी का इंडिकेशन, और अब केतु चल रही है, और केतु भी आपके जीवन में लगभग लगभग अभी मार्च 2021 तक चलेगी। सबसे ज़्यादा सेविंग पॉइंट वो ये है कि आपका जो लग्नेश है वो भले ही अष्टम में बैठा लेकिन उच्च का होके बैठा हुआ है, शुभ दृष्ट है, कोई उस पर खराब इंडिकेशंस नहीं है। और वही लग्नेश नवांश में अपनी राशि स्वग्रही होकर त्रिकोण में बैठा है, इसलिए हेल्थ इश्यूज बनना, लेकिन स्वास्थ्य का बराबर बने रहना या आयु का बराबर बने रहना भी इस कुंडली में इंडिकेशंस आता है। आपने कहा बचपन से ही बीमारियों से परेशान है, एक ख़त्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, वो कॉम्बिनेशन इस कुंडली के अंदर है। और देखिए अभी केतु की दशा इनको चलेगी मार्च 21 तक, उसके बाद शुक्र की दशा आ जाएगी। शुक्र यहाँ षष्ठेश है और यहाँ नीच का होके बैठा है, इसलिए आगे आने वाले समय में हेल्थ के इश्यूज तो ज़्यादा नहीं रहेंगे लेकिन मन के भटकाव के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यानी अच्छी एजुकेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इस बच्चे को करने पड़ेंगे, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। आपका दूसरा सवाल पढ़ाई में मन नहीं लगता, देखिए प्लेनेट 12वें घर में बैठा है, केतु की दशा है, केतु 12वें घर में है तो केतु बच्चे को कैसे पढ़ने देगा, क्योंकि राहु केतु तो अधिकतर उन प्लैनेट्स में से होते हैं कि अगर अच्छे भावों में ना बैठें, जैसे यहाँ 6 12 में बैठे हुए हैं, तो ये व्यक्ति को अपने दशा काल में स्वास्थ्य नहीं दे सकते अच्छा, संक्रामक रोग दे सकते हैं, मौसम के चलते हुए रोग दे सकते हैं, किसी न किसी परेशानी में बच्चा इन्वॉल्व रहता है। और मैं आपको यहाँ सचेत भी करना चाहूँगा, जिस तरीके की महामारी आज के समय देश में चल रही है, जब प्लैनेट्स अभी भी मैंने इस लॉकडाउन के अंदर 4 से 5 ऐसे पेशेंट लोगों की कुंडली देखी है जो कि कोरोना से ग्रसित हुए, तो उनकी हॉरोस्कोप में कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशंस आया है जो इस बच्चे की कुंडली में है। इसलिए अभी इनको जो दशा चल रही है वो चल रही है केतु में बुध, मार्च 20 से मार्च 21, बुध पंचम में बैठा है षष्ठे शुक्र के साथ है, केतु में बुध हेल्थ के लिए ठीक नहीं, महामारी के अंदर बच्चा ना आ जाए उसका पूरा ध्यान रखें, उसके घर के अंदर रखें, किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, इसलिए इस दौरान बच्चे को मार्च 21 तक विशेष ध्यान रखना होगा।
ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े होकर नेता बनना चाहते हैं। देखिए, नेता बनने के लिए कहीं ना कहीं कुंडली में नेता बनने वाले योग होने चाहिए और नेता बनने वाली दशा। अब पब्लिक के बीच में जाना, लोगों के बीच में अपनी सहानुभूति प्राप्त करना, प्रशंसा प्राप्त करने के योग तो इस कुंडली में दिखते हैं कि भी चौथा घर मजबूत है, चंद्रमा वहाँ है, बृहस्पति उसको देख रहा है, शनि राजनीति का कारक भी उसको देख रहा है, तो व्यक्ति का जो ध्यान है वो जरूर जीवन में राजनीतिक क्षेत्रों में अवश्य जाएगा। वो जीवन में बहुत चाहेगा कि इसको मेरे को, लेकिन उसके लिए सही समय पर सही दशा बहुत ज़रूरी है। वो सही दशा अभी आपको देखिए, शुक्र की महादशा मार्च 21 से शुरू होगी। शुक्र दशमांश कुंडली में चौथे घर में दशम में बैठा है, इसलिए इस बच्चे के बहुत सारे जो एक तरीके से गुण हैं उसको कह सकते हैं हम, राजनीति में पूरा इंटरेस्ट होना, ऐसे लोगों को राजनीति में पूरा इंटरेस्ट रहेगा और जीवन में ये पूर्ण रूप से चाहेंगे कि मैं किसी ना किसी प्रकार से प्रयासरत रहूं कि जैसे ही मैं राजनीति के लायक हूं मैं राजनीति में एंट्री करूं, चाहे मैं कॉलेज स्तर पे करूं, मोहल्ला स्तर पे करूं, क्षेत्र के तौर पे करूं, कैसे भी करूं, लेकिन ये बच्चा उन चीज़ों में इन्वॉल्व रहेगा और किसी ना किसी प्रकार की जद्दोजहद करके सक्सेस भी पा लेगा। लेकिन इस कुंडली में कोई बहुत बड़े नेता बनने के योग नहीं है, किसी की बात सुनते नहीं हैं, वो सब दशाओं पे आ रहा है। इनका फ्यूचर कैसा रहेगा, बड़े होकर किस फील्ड में जाएं तो इनके लिए सही रहे। चलिए अब बात करते हैं शुक्र की दशा की। मार्च 21 में शुक्र की दशा शुरू हो जाएगी, 20 साल की महादशा होगी 21 में, जब इनकी उम्र होगी लगभग 18 वर्ष। 18 वर्ष की महादशा शुरू होते ही शुक्र की दशा शुरू हुई। शुक्र एकादशेश यानी लाभ के मालिक हैं, बुध के साथ बैठे हैं और मंगल की राशि में ये बैठे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो भी एजुकेशन आ रही है वो एक तकनीकी एजुकेशन आ रही है। कोई लोग बाग BCA करते हैं, कोई लोग बाग BBA करते हैं, कोई लोग बाग अकाउंटेंसी के फील्ड में जाते हैं, कोई कंप्यूटर से संबंधित रिलेटेड कोर्स करते हैं, तो वैसी सारी सिचुएशंस इस चार्ट में दिखती हैं। ये बच्चा ज़रूर किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में एडमिशन लेने वाला है आगामी समय में, क्योंकि शुक्र यहाँ दशम भाव में ही बैठा हुआ है। ये कर्म स्थान है और कर्म स्थान दशांश कुंडली में अगर बैठे तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को शो कर देता है। लेकिन ध्यान ना लगना, ध्यान भंग रहना या इधर उधर माइंड डाइवर्ट रहना, या इसको कह सकते हैं अपनी मन मर्जी से पढ़ना, ऐसे कॉम्बिनेशन इस कुंडली के अंदर मौजूद हैं। आसान नहीं है इस बच्चे के ऊपर, आप प्रेशर दे के उसको पढ़ा लो। कैचिंग पावर अच्छी है, बुद्धि बहुत तेज है। जो लोग 3 घंटे में काम करते हैं उस काम को ये व्यक्ति 1 घंटे में पढ़ाई के तौर पे कर सकता है, इतनी कैचिंग पावर इनकी मजबूत है। लेकिन बात यह है कि वो कैचिंग पावर सही समय पर अगर लग जाए तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट उसके मिलते हैं। अब शुक्र की दशा मार्च 21 से जुलाई 2024 के बीच में शुरू हो चुकी है, यानी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एडमिशन है और जिन क्षेत्र के बारे में मैंने अभी आपको बताया था उन क्षेत्रों में इनको अपने एडमिशन अवश्य ले लेना चाहिए। अपने बड़े भाई के साथ इनका व्यवहार कैसा रहेगा, देखिए स्वभाव सभी के लिए लगभग लगभग एक जैसा होता है। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिनके इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो व्यक्ति इनको ज़्यादा रोक टोक करेगा उसी के प्रति इनका स्वभाव जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बाकी इस कुंडली में भाई के लिए प्रॉब्लम करने का कोई विषय नहीं, या भाई इनके लिए ख़राब रहेगा ऐसा भी कोई विषय इसमें नहीं है। बस हाँ, जो ज़्यादा रोक टोक करेगा, जो ज़्यादा एलिगेशन इनके ऊपर लगाएगा वही व्यक्ति इनको जीवन में बुरा लगेगा। तो एजुकेशन तो ये कर लेंगे लेकिन मन मुताबिक एजुकेशन ये करेंगे, क्योंकि शुक्र की दशा 20 साल के लिए जीवन में आई, 18 से 38 के बीच चलेगी। यही वो समय होगा जिसमें इनकी पढ़ाई होगी, यही वो समय होगा जिसमें ये काम करेंगे और यही वो समय होगा जीवन में जब ये इनकी विवाह भी होंगे, क्योंकि शुक्र में मंगल जो कि 2027 से 28 के बीच आ रही है, ये भी एक शादी के लिए अच्छा खासा योग इस कुंडली में दिखाई दे रहा है। तो आपके द्वारा पूछे गए जो सवाल हैं उनके सभी के मैंने इसमें यहाँ जवाब दिए हैं और साथ ही साथ कुछ उपायों की भी मैं बात यहाँ करूँगा आपसे। लेकिन जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है उसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। मैंने ऐसे लोगों को बहुत हद तक जीवन में स्वतंत्र व्यवसाय करते देखा है, यानी इनके मन में बहुत इच्छा रहती है कि मैं किसी के दबे बसे काम ना करके स्वयं का अपना कोई व्यवसाय करूं, तो वो स्वयं के व्यवसाय करने के कॉम्बिनेशन बहुत अधिक हैं। ऐसे लोग अगर जीवन में व्यवसाय करें तो अगर कुटुंब में कोई काम होता हो, घर परिवार में, उस काम को करें, नहीं तो जीवन में क्लोज
कपड़े से संबंधित कोई भी काम, चाहे वो गारमेंट्स हो, चाहे कच्चा कपड़ा कोई, चाहे पोताई वाला कपड़ा, चाहे प्रिंटिंग वाला कपड़ा, कैसा भी हो, कपड़े से रिलेटेड कोई भी बिजनेस अगर जीवन में करेगा तो व्यक्ति जीवन में सफल होगा। और पहला ऑप्शन यही रखें, अगर घर परिवार में कोई बिजनेस होता हो तो उसी को पकड़ें, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि ऐसे लोग किसी के अंडर में लंबे समय तक काम कर पाएंगे। अब करना क्या चाहिए ऐसे लोगों को, दिन में दो पूजा जरूर करनी चाहिए। सबसे पहली पूजा हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे इनको बुद्धि मिलेगी, ज्ञान मिलेगा और ये बीमारियों से बचे रहेंगे। साथ ही साथ संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जो कि इनको व्याधियों से, बीमारियों से, गलत संगत से, गलत विचारों से बचाएगा। तो सुबह को उठ कर नहा धो के संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कैसे करते हैं, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा, आप उनको देख लेगा बच्चा तो उससे सीख जाएगा। तो दिन में एक बार संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कराइए और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ बच्चे को कराइए, इससे बहुत अच्छी रिकवरी बच्चे को मिलेगी। साथ ही साथ इस बच्चे से कहिएगा कि ये बुधवार के दिन 5 बूंदी के लड्डू लेकर हनुमान मंदिर जाए, हनुमान जी को भोग लगाए, उनके सामने धूप बत्ती जलाए और भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि वो इनको अच्छी सद्बुद्धि प्रदान करें। ये 3 उपाय हैं जो इनको लगातार करने हैं, 2 पाठ हैं जो रोज करने हैं, और जो लड्डू का भोग लगाने वाली बात है वो जो है इनके जीवन में उसको सिर्फ बुधवार के दिन करना है। बाकी अभी मार्च 21 तक थोड़ा इनका खासा ध्यान आपको यहाँ रखना होगा। जो उपाय हैं वो लगातार कराइएगा, इनको निश्चित लाभ मिलेगा। नमस्कार।